जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या राम मंदिर राम लला, ये ध्वनियां चारों ओर गूंज रही है। रामायण एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है जिसकी रचना लगभग ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में हुई थी। रामायण अयोध्या के राजकुमार श्री राम जी की कहानी है। आदि काव्य रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है ऐसा माना जाता है। रामायण के वर्णन में प्रकृति को सर्वोच्च दर्जा दिया गया है। रामायण में वनस्पतियों और जीवों का बहुत विस्तार से वर्णन मिलता है। आइए जानते हैं रामायण में विभिन्न जैव विविधता का वर्णन किस तरह किया गया है। जैव विविधता का मतलब पशु पक्षी पेड़ पौधे मछली इत्यादि। हम शुरुआत करते हैं रामायण के पक्षियों से। इससे पहले हम पक्षियों के कुछ खास बातें जान लेते हैं। पक्षियों की विशेषताएं। पक्षियों में पंख होते हैं, चोंच में दांत नहीं रहते। पक्षियों के हृदय में चार कक्ष होते हैं। पक्षियों का कंकाल हल्का लेकिन मजबूत होता है। पक्षी अंडे के माध्यम से प्रजनन करते हैं। क्रौंच कुर्जा सारस। रामायण की शुरुआत क्रौंच पक्षी से होती है। ये कैसे? एक शिकारी ने सारस पक्षियों की जोड़ी में एक पक्षी को मार गिराता है। जोड़ी के दूसरे सारस का विलाप देखकर वाल्मीकि जी भावुक हो उठते हैं। इस घटना ने वाल्मीकि जी को रामायण की रचना करने के लिए प्रेरित किया। विभिन्न साहित्य में सारस पक्षियों का अलग अलग वर्णन किया गया है। डेमोइसेल क्रेन की जानकारी में क्रौंचा और वाल्मीकि जी का संदर्भ है। कुछ अध्ययनों से वाल्मीकि जी और इन पक्षियों के जोड़े की पहचान सारस क्रेन के रूप में स्थापित होती है। इस पक्षी के अन्य नाम क्रेन या ईग्रेट या सारस स्ट्रॉक या फ्लेमिंगो इत्यादि है। जटायु। जटायु रामायण महाकाव्य का बड़ा पक्षी है। जटायु गिद्ध पक्षियों का राजा है। जटायु का शरीर गिद्ध जैसा है। जटायु राजा दशरथ के मित्र है। जटायु सीता जी के अपहरणकर्ता रावण से लड़ते हैं। रावण बूढ़े जटायु के पंख काट देता है। भगवान राम जी लक्ष्मण जी के साथ सीता जी को खोजते खोजते घायल जटायु से मिलते हैं। जटायु रावण द्वारा सीता जी के अपहरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। रावण सीता जी को किस दिशा में लेकर गया वो भी बताते हैं। भगवान राम ने जटायु के अंत को महसूस किया है। राम जी ने आशीर्वाद दिया और जटायु को मोक्ष मिला। जटायु के बड़े भाई संपत्ति सीता जी को खोजने में राम जी की मदद करते हैं। संपत्ति को पंख नहीं है लेकिन नज़र बहुत तीक्ष्ण है। हनुमान अंगद जामवंत और वानर सेना सीता जी को खोज करते करते थक गए और हार गए। उस समय संपत्ति ने उन्हें बताया कि उसने रावण को अपने उड़ने वाले रथ पुष्पक विमान में एक खूबसूरत स्त्री को जबरन लंका ले जाते देखा था। संपत्ति यह भी बताते हैं कि लंका 100 योजन दूर थी। अपनी तीव्र दृष्टि से वह लंका और लंका के भीतर सीता जी को देख लेते हैं। वह आवश्यक जानकारी साझा करते हैं और जिससे हनुमान जी की लंका छलांग संभव हुई। गरुड़ा। गरुड़ पक्षियों का राजा है। रावण के साथ युद्ध में राम और लक्ष्मण को सांपों से बना पाश से बांध दिया जाता है। इंद्रजीत नागपाश या नागास्त्र मंत्र का आवाहन करते हैं और तीर
छोड़ते हैं। राम और लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। सांप चील के प्राचीन दुश्मन है, चील सांपों को खाते हैं। गरुड़ ने तुरंत युद्ध के मैदान में उड़ान भरी और उस पाश को निगलकर राम लक्ष्मण को बचा लिया। गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है। वंजुला। वंजुला को पिंगलिका के नाम से भी जाना जाता है। पिंगलिका एक पक्षी है जो अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी की रक्षा करने वाली एक राक्षसी त्रिजटा के सपनों में दिखाई देती है। राम का स्वागत करते हुए मधुर गायन किया। यह वर्णन सुनकर सीता जी प्रसन्न हो जाती है। काका भूषणडी कौआ। काका भूषणडी संत तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के एक आदरणीय पात्र है। काक भूषणडी कौवे के रूप में गरुड़ को रामायण की कहानी सुनाते हैं। उनका वर्णन चिरंजीवियों में से एक अमर प्राणी के रूप में किया गया है। कहा जाता है कि काक भूषणडी कई युगों में जीवित रह सकते हैं, इसी कारण उन्हें टाइम ट्रैवलर कहते हैं। ये कुछ ऐसे प्रमुख पक्षी थे जिनका उल्लेख रामायण में किया गया है। इनके अतिरिक्त और भी पक्षी हैं, जैसे मयूर, तोता मैना, हंस इत्यादि विभिन्न संस्कृति और भाषाओं के रामायण में मिलते हैं। ये पक्षी या तो वास्तविक होते हैं या फिर कल्पनाशील। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में आपके लिए रामायण से जुड़े और भी जीवियों जैसे पशु, पेड़, फूल, पत्ते, फल, कीड़े इत्यादि के बारे में जानकारी देंगे। सब्सक्राइब करें और घंटी पर दबाएं ताकि आप हमारी वीडियोस मिस ना करें।